इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9 के विषय सामाजिक विज्ञान का गृह कार्य, जो कि दिनांक 14 सितंबर 2021 को दिया गया है। इस गृह कार्य में टोटल 5 क्वेश्चन है, हम प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की क्या परिभाषा दी। यहाँ आंसर लिखेंगे, अब्राहम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र की परिभाषा दी गई, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। सेकंड क्वेश्चन है, लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति समझाइए। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति, लोकतंत्र का अंग्रेजी शब्द होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। थर्ड क्वेश्चन है, जनता की सहभागिता के आधार पर शासन व्यवस्था कितने प्रकार की होती है। जनता की सहभागिता के आधार पर शासन के प्रकार होते हैं दो प्रकार के, लोकतांत्रिक शासन और गैर लोकतांत्रिक शासन। फोर्थ क्वेश्चन है, लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं। लोकतंत्र की विशेषताएं हैं, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के द्वारा लिए जाते हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होता है, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल होता है, कानून का राज और अधिकारों का आदर होता है। तो ये सभी क्या है, विशेषताएं हैं लोकतंत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में कौन से गुण पाए जाते हैं। लोकतंत्र की जो पक्ष में तर्क होते हैं या गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है, शासन सत्ता की जनता के प्रति जवाबदेही निश्चित करती है। सेकंड, बेहतर निर्णय लेने की संभावना ज़्यादा। थर्ड, विपक्ष मतभेद और विभिन्नता के लिए उत्तम शासन। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। गलतियों को सुधारने की अधिक संभावना होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत को बनाते हैं। तो ये था कक्षा 9 के विषय सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट गृह कार्य। हम इसी तरह अन्य सब्जेक्ट्स, अन्य क्लासेस के गृह कार्य देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।